हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं अभी 6। और देखिए, आज पार्थ मेरा बाबू स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि इसका स्कूल अभी मॉर्निंग में ही हो गया है गाइस। तो अभी मैं इसको रेडी कर रही हूँ। मौजा पहनो, मैं पहना देती हूँ शूज, सॉक्स पहनो ना खुद से। तो अभी मेरे घर में सभी कोई सोए हुए हैं, और मैं बता ही दी ना, मेरा बिजी शेड्यूल अब रेडी हो गया। तो चलिए, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आज दिखाती हूँ अपना दिन भर का मैं क्या क्या करती हूँ। मैंने घर पर होममेड चोको लवा केक तैयार किया है ओरियो बिस्किट के साथ से। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेरा एक छोटा वाला के लिए है और एक बड़ा वाला के लिए है ये चोको लवा केक है गाइस, जो कि अभी मैं अपने बच्चों को दूंगी खाने के लिए, लंच में ले जाऊंगी। और देखिए गाइस, कितना स्पंजी बना है मेरा चोको लवा केक, और जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बच्चों के फरमाइश के में ये मैंने चोको लवा केक बनाया है, और अभी मैं इसको लंच में दूंगी। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये चोको लवा केक कैसा बना है। और ये देखिए गाइस, मेरा दोनों चोको लवा केक इज रेडी, वेरी यम्मी एंड टेस्टी गाइस। और अभी देखिए गाइस, मैं अपने बच्चों को जूता पहना रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही कर सकती है ऐसा। और ये जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तब देखेंगे कि मेरी मम्मी क्या क्या करती थी ना। बात और आज मेरा बाबू का 2 क्लास में चला गया, और फर्स्ट डे है ना, आज फर्स्ट डे स्कूल है, 2 क्लास में फर्स्ट डे स्कूल है। और गाइस, मेरा थोड़ा तबीयत ना गड़बड़ हो गया है, मौसम एक्चुअली चेंज हुआ है ना, और अचानक से मैं कूलर ऑन की, उस वजह से मैं बीमार पड़ गई। तुम भी हर्ष हो गया, ये वो भी इसी तरह करता है। तो मेरा बिजी शेड्यूल इज रेडी गाइस। और आप लोग बोलते हैं ना, क्या करते हैं हम दिन भर, आज मैं आपको पूरे दिन भर का ब्लॉग शूट करके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, जो कि मेरी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सब गाइस, बहुत मायने रखता है मेरे लिए ये सब कुछ। और मेरे लिए क्या, हर माँ के लिए ये सब कुछ मायने रखता है। तो अभी मैं अपने बच्चों को रेडी कर रही हूँ, और ये छोटा वाला है गाइस, बड़ा वाला का 5 से स्कूल स्टार्ट है, छोटा वाला का स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, जिंदगी यही है, रुकती है फिर चलती है, फिर रुकती है फिर चलती है। आ की कला मोय मोय भूसा फैन रे। रिलैक्स होके बैठ जाता है, कोशिश भी नहीं करता है। आज सुबह का मॉर्निंग का सबसे बिजी काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम गाइस, कि मैं अपने पक्षियों को खाना और पानी देती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे घर में कितने सारे कबूतर आए हुए हैं, जो कि दूसरे कहाँ कहाँ से आते हैं पता नहीं, लेकिन सुबह के टाइम में बहुत सारे पक्षी आते हैं गाइस। और मैं इनको चारा, मतलब चारा में हमें चावल डालती हूँ। और फाइनली गाइस, मैं हो गई अभी जाने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी छोटा है तो मैं अकेले छोड़ती नहीं हूँ उसको। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसको छोड़ के आती हूँ, उसके बाद में आगे का शेड्यूल आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। फाइनली गाइस, ड्यूटी इज रेडी। कैसा लग रहा है पार्थ स्कूल जाते हुए? मस्त, बढ़िया लग रहा है, कोई टेंशन? न्यू क्लासमेट अभी पढ़ हो गया? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं भैया, उसको Thank you.
फाइनली गाइस मैं घर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाऊंगी और नहा के फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। और फाइनली गाइस मैं अब नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पूजा करिए मिलजुल के। और यहाँ देखिए गाइस मैंने बहुत ही अच्छे मन से पूजा कर लिया और मैं पूजा करके अभी फ्री हो गई गाइस। और तो मेरे भगवान जी का आप सभी कोई भी दर्शन कर लीजिए और भगवान की कृपा आप लोग के जीवन में हमेशा बनी रहे। भोले बाबा की कृपा हर हर। और फाइनली गाइस मैं नहा के पूजा कर ली और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाऊंगी क्योंकि सभी कोई अभी सोए हुए ही हैं। तो अब मैं जाती हूँ उठाऊंगी सभी को एक एक करके। और अभी ये मेरा सुबह का ये क्लिप था गाइस जो कि मैं अब मेरा ये यही रूटीन मेरा कंटिन्यू अब रहेगा। 5 तारीख से मैं और भी ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी क्योंकि बिजी हो इसलिए हो जाऊंगी गाइस क्योंकि मैं अब मेरा बड़ा वाला बाबू का भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और अभी सिर्फ छोटा वाला का है। तो मैं आप मेरा देखें मेरा यही शेड्यूल रहता है डेली का रहेगा। और अब मैं जाऊंगी गर्म पानी पहले पीऊँगी फिर चाय पीऊँगी उसके बाद फिर मैं सुबह का देखती हूँ ये लोग क्या खाएगा फिर नाश्ता बनाऊँगी फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो ऐसे ही प्यार से सपोर्ट आप लोग देते रहिएगा और छोटी छोटी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर इसी तरह से करती रहूँगी। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और जितने भी न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पुराने वाले को तो धन्यवाद है ही। और आप लोग के कारण मैं ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए आप लोग प्यार से सपोर्ट आगे भी बना के रखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी तब तक के लिए बाय बाय।